हे फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम निकले हैं अजमेर के लिए, अजमेर दरगाह शरीफ। तो हम लोग सुबह के 10 बजे निकले हैं। हे फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम निकले हैं अजमेर के लिए, अजमेर दरगाह शरीफ। उसके बाद जाने वाले हैं पुष्कर। तो सुबह के 10 बजे ही हम लोग घर से निकले हैं, और लाइक रात भर नहीं सुन, मतलब अच्छे से नहीं सोने के कारण तो हम लोग हनी मून सो रहे थे। तो मैं यहाँ पे नाश्ता वास्ता करने के लिए आई हूँ। तो दिस इज द प्लेस जहाँ पे हम नाश्ता करने के लिए आए हैं। द नेम ऑफ द प्लेस इज जयपुर पराठा। वहाँ पे मेरा बहुत धूप है, तो लाइक सभी अंदर बैठे हुए हैं। सो लेट्स गो इनसाइड और देखते हैं कि क्या क्या हमें खाने के लिए मिल सकता है। अभी हम लोग अजमेर पहुंचने वाले हैं। सो अजमेर पहुंच कर मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरी कॉलेज को मैंने अपनी ग्रेजुएशन क्लास कंप्लीट की है, एंड लाइक ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर रह गया है। सो पहुंचने वाले हम लोग। हम लोग कम से कम 2 घंटे से गाड़ी में बैठे हैं। परिधान का कुछ इतना पता है नहीं, जब से बैठा है तब से ये सोया हुआ है। अभी हम लोग पहुंचने भी वाले, तभी ये सोया हुआ है। हमें विधान स्टेल्स के भी, और पीछे अभी हम लोग है यहाँ पे गाड़ी में सोना दी, देवी दी, पीछे की तरफ बुआ, राहुल, राजदीप एंड उषा। उषा से हेलो। और आगे की तरफ है निकिता और इसकी बेबी। ये रहा माया मंदिर। यहाँ पे हम लोग पहले मूवी देखने के लिए आते थे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले मूवी बॉडीगार्ड देखी थी। और यहाँ पे है मेरी कॉलेज। ये बहुत सारी दुकानें लगी है, पहले ऐसे दुकानें नहीं थी यहाँ पे। अब बहुत चेंजेस आ गए अभी। ये पूरा एरिया खाली था पहले। और ये देख रहे हो आप लोग, ये हमारे हैंग आउट प्लेस था। ये रहा विशाल। तो कॉलेज में जब भी गर्मी लगती थी तो हम यहाँ पे एसी खाने के लिए आ जाते थे। और यहाँ पे है मेरी कॉलेज। और रही ये है मेरी कॉलेज, ये रहा सोफिया कॉलेज। अब देख स्टूडेंट्स आए इधर। ये रहा, एंड इस तरफ है स्कूल, सोफिया स्कूल। इसी स्कूल में एक मूवी हुआ था, उतना वो मूवी था पता नहीं कौन सा। बट अब आगे चलते हैं। इस तरफ से वहाँ पे एक गली था, वहाँ पे मैं रहती थी, लाइक मेरी पेइंग गेस्ट वहीं पे थी, मतलब वहीं पे रहती थी। अब आगे हमारी बस स्टैंड। मैं यहाँ पे अजमेर में 2013 तक रही हूँ, एंड बहुत सालों बाद आने के बाद मैं देख रही हूँ बहुत सारी चेंजेस हुई है, बहुत सारी। पता नहीं चल रहा कि मैं कहाँ से, मतलब कहाँ से आ रही हूँ, क्या कहाँ जा रही हूँ। हम बस थोड़ी बहुत इधर उधर मालूम है कि ये गली, यहाँ पे आगे जाने से बस स्टैंड है, और यहाँ इस तरफ पीछे कुछ ऑफिस वगैरह है। ये रहा पीछे की तरफ से जाने से आना सागर मिल जाएगी हमें, तो सीधा ही लेंगे हम लोग, सीधा ही चलेंगे। सीधा लेने से शॉर्टकट पड़ेगी। सो ऑलमोस्ट अब हम लोग दरगाह पहुंचने वाले हैं। ये जो ऊपर दिख रहा है ना टावर, दैट वाज आवर हैंगआउट प्लेस। और यहाँ से शायद राहुल। सो अभी हम लोग जाने वाले हैं दरगाह शरीफ। तो फिलहाल अभी हम लोगों ने क्या किया है कि लाइक अपने गाड़ी को स्टेशन के बाहर ही पार्किंग कर दी है। ये रहा रेलवे स्टेशन, तो स्टेशन के बाहर ही पार्किंग कर दी है। और बाकी सभी यहाँ पे अरेंज करे अपने आप को। चलिए चलो, तो चलते हैं। एंड सच बताओ तो मुझे बहुत सालों बाद यहाँ पर आके बहुत खुशी महसूस हो रही है। लाइक ये पहले मेरा हैंग आउट प्लेसेस था अजमेर में। लाइक कुछ कुछ ऐसी दुकानें हैं कि बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है अजमेर में। और आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर अगेन। स्पेशली जब मैं आई हूँ तो अपनी बेटी और हस्बैंड के साथ आई, तो वो भी सबसे बड़ी बात है मेरे लिए।
और उसको अगर मेरा रिधान बड़ा होता तो मैं उसको दिखा पाती कि मैं इस स्कूल में पढ़ी हूँ, इसी कॉलेज में मेरी मतलब पढ़ाई की थी, तो वो भी शायद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता। पर कोई बात नहीं, जब वो बड़े होगा फिर हम आ जाएंगे वापस। तो अभी हम लोग निकलते हैं दरगाह शरीफ के लिए। तो फिलहाल यहाँ की गाइड तो आज मैं ही हूँ, क्योंकि यहाँ के हर चप्पल चप्पे गली मुझे मालूम है। तो लाइक चलो लेट्स गो एंड चलो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नाइन के झोपड़े पे, और लाइक थोड़ी देखिए छोटी मोटी दुकानों में हम लोग ने छोटी मोटी चीज़ें वगैरह खरीदी, वो तो मैं आपको घर जाके दिखा दूँगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, वहाँ पे जो नाम ने भी बोला ढाई दिन का झोपड़ा, और लाइक बाकी तो सभी आगे जा चुके हैं। मैंने बोला था कि आगे आगे सीधे सीधे ही जाना है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होने के कारण तो इन रिधान को मैंने उससे बड़ी माँ के हाथ पे दे दिया है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा। कहाँ साइड पर तो हम लोग हैदरिंग का झोपड़ा भी पहुंच चुके हैं, और सीढ़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ है, तो हमें चढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है, स्पेशली आंटी को, यहाँ पे आंटी को चढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। और राहुल तो जा चुका है रिधान को लेके ऊपर, और हम भी जा रहे हैं। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं ढाई दिन का झोपड़ा। नहीं तो हम पहुंच गए हैं। सो ये रहा, कहते हैं कि यहाँ पे जब अकबर आए थे तो यहाँ पे आराम करने के लिए उन्होंने बनवाया था। तो ये जो देख रहा है आपको, यही है ढाई दिन का झोपड़ा, जो कि ढाई दिन में बनाया गया था। तो उस टाइम के लिए ये झोपड़ा है, ये रहा। इसकी खासियत क्या है कि ना, इसका जो पिलर वगैरह है, पिलर के नीचे कोई भी लाइक निकालना फोटो मैडम। ये ढाई दिन का झोपड़ा, ये भी पहले मेरा कभी कोई दिन हैंग आउट हुआ करता था, मैं अपने सहेलियों के साथ यहाँ पर आके मतलब आती थी यहाँ पे। तो आज मैं अपने बेटे और राहुल को लेकर आई हूँ। यहाँ पे गोद में है ये पूरा दिन सोता ही रहा, पूरा दिन सोता ही रहा, मतलब लाइक जयपुर से यहाँ तक आने से सोता ही रहा ये। पहले यहाँ पे जैसे मतलब हम आए हैं तो बाहर बहुत सारी दुकानें वगैरह लगे हुए, पहले ऐसा नहीं था। जब मैं 2013 पे यहाँ पे थी तो बिल्कुल खाली, यहाँ पे लोग बहुत कम आते थे, एक आध दो आध ही आते थे। पर अभी तो शायद इसको टूरिस्ट स्पॉट ही बना दिया है, तो इसलिए बहुत भीड़ होने लगा, और बाहर भी बहुत से दुकानें भी लग गई हैं टूरिस्ट के लिए। पर पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली, और सिर्फ हम दो तीन लोग मतलब सहेलियाँ आते थे यहाँ पे, अपने कुछ भी मतलब बिछा के ऐसे हम बैठ जाते थे। जब भी हम आते थे यहाँ पे पिलर्स वगैरह हम काउंट करते थे, जब भी हम पिलर्स काउंट करते थे ना कुछ बढ़ता ही रहता था, एक ना एक नंबर करके बढ़ता रहता पिलर्स स्पेशली। हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, तो बाकी सभी निकल चुके हैं और मैं और राहुल ही रह गए हैं पीछे। तो अब हम जा रहे हैं और ढाई दिन के झोपड़े से अब हम बाहर निकल रहे हैं। तो अब हम जाएंगे पुष्कर के लिए निकलेंगे, हम यहाँ से सीढ़ियों से निकलेंगे क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी है, ओह माय गॉड, ताकि गिरे ना जाए। सबसे पहले मैं राहुल को जाने के लिए कहूँगी, राहुल यू गो फर्स्ट। अब देख सकते हो सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा स्टिफ है, तो पहले वो चले जाए फिर मैं निकलूँगी यहाँ से।
रुपया में दो।